Yes, yes, please stop. सबसे पहली बार इस बात का एहसास कब हुआ कि कपिल को यहाँ बिजनेस मुझे बुलाना है और एक सेशन कराना है, मतलब किस एक्ट से, क्योंकि कपिल को किसी दारू की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा वो जमा कब था जब आपको रियलाइज हुआ कि यार कपिल ऐसा भी है? देखिए, हम जो फिफ्थ वेदा का जो कल्चर वर्कशॉप करते हैं उसमें हम नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक, डांस, ड्रामा, स्पीच, म्यूजिक, कॉमेडी, पोइट्री, सब जितने आर्ट्स हैं हमारे, 24 आर्ट एंड क्राफ्ट हैं हमारे जो सिखाए जाते हैं, तो बच्चों की आर्टिस्टिक स्किल डेवलपमेंट के लिए ये वर्कशॉप रखी जाती है। तो उस वर्कशॉप में जो एक सबसे बड़ी कला आती है वो आती है कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी एक बहुत ही नेचुरल फ्लेवर और बहुत ही सोलफुल और मासूमियत से आती है, इसकी कोई इतनी टेक्निक नहीं होती, लेकिन इसमें एक अपना एक फियरलेसनेस होती है, एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो इससे ज़्यादा लीजन कौन हो सकता है आजकल लिविंग लीजन जहाँ कपिल शर्मा से? तो हमारे सारे स्टूडेंट्स की बहुत इच्छा थी, काफ़ी दिनों से मुझे कह भी रहे थे, और मैंने फिर कपिल जी को एक रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत जल्दी मान लिया। अरे सर, मैं जरूर किसी और स्टूडेंट से मुखातिब करूँगा। ओके, कपिल सुभाष घई जी का भी कोई मोहताज नहीं सुभाष जी, और एक दौर आपने संघर्ष का भी देखा होगा, और आप यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में आके उन्हें सलाह देना, मशवरा देना कि आप यूँ ऐसा करें या आप ऐसा करें या आप नेचुरल रहें, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? डू यू गॉट इमोशनल समवेयर डाउन द लाइन? सर, मुझे भी रही होगी आपकी, मुझे जेन्युइनली ये लगा कि जैसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई अभी जस्ट स्कूल से पास आउट है और कॉलेज से पास आउट होके, क्योंकि उनको अपना फोकस क्लियर है कि हमें इस फील्ड में जाना है, किसी को डायरेक्शन में जाना है, किसी को एडिटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो एक तो इनकी मैच्योरिटी देख के इस एज में वही बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा है। आई वॉज 27 ईयर ओल्ड व्हेन आई इलेक्टेड फॉर ए रियलिटी शो विच वॉज लाफ्टर चैलेंज। मुझे ये लगा कि यार 26-27 साल तक मैंने कभी कोई डिप्लोमा करने की सोची नहीं, मैं थिएटर करता था और वो भी अमृतसर में, जिसका कोई हमें कुछ पैसे नहीं मिलते थे, हम लोग शौक से ही करते थे, तो 26-27 साल तक शायद उससे भी आगे करता रहता मैं, वो अलग बात है, डेस्टिनी ने कुछ अलग प्लान किया था, तो मैंने मेरी सिलेक्शन हो गई लाफ्टर चैलेंज में, सो मैं वहाँ पे विनर बना, उसके बाद शोज करने शुरू कर दिए, पैसे कमाने शुरू हो गया, ये तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं था, मुझे खाली शौक था। पर इन स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि वो बहुत ही क्लियर हैं, अगर और अगर किसी को एक्टर बनना है, जैसे अभी मुझे एक लड़का मिला तो वो एडिटिंग भी सीख रहा है, जो कि बड़ी ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं इन चीज़ों को, आप अगर साथ लेके चलें बीइंग ए एक्टर, अगर मुझे कैमरा का पता है, अगर मुझे ये पता है कि जितना मुझे चाहिए, जितना मैंने परफॉर्म किया इतना काफ़ी है सीन के हिसाब से, अब यहाँ से एडिटर संभाल लेगा, ये सब चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं आपको निखारने में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक्चुअली कोई इनको बताने नहीं कुछ आया था, बल्कि उनसे भी कुछ जानने आया था कि ये किस तरीके से काम करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट हैं, जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब यहाँ पे एक परफेक्ट बना के उसको पास आउट होता है यहाँ पे स्टूडेंट, तो अच्छा लगा आज देख के, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं था कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें, तालीम ले सकें, तो भगवान के भरोसे आ गए तो चलो हो गया, पर अगर आप तालीम ले कर निकलते हो तो मे बी आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। वो तब मस्ती मस्ती में हम लोगों ने काफी एपिसोड में बातें करी थी, वो मेरी कहानी आप मुझसे सुनिए ना, अलग वो सुनाइए प्लीज सर। देखो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। कपिल, हाउ वाज इट, हाउ डिफरेंट वाज दिस एक्सपीरियंस, नॉट ओनली आप कॉमेडी करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने, ये अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कितना इजी था आपके लिए? सर मुझे तो, मैंने बताया ना कि ये खाली ये जैसे सर ने भी कहा कि फेयरलेस होना ज़रूरी है कुछ चीज़ों में, मुझे पता था कि मैं अगर विस्लिंग वुड में जा रहा हूँ यार, हमारे हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और मैं ऐसा क्या बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को लगे कि इस बंदे के आने का कुछ फ़ायदा है, हालांकि मुझे ऐसा लगा है कुछ भी नहीं अभी भी, क्योंकि मैं आखिरी स्टूडेंट बन गए ना, पर यही है कि हाँ सीखना तो जारी रहता है। हाँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है बींगे उनसे उम्र में अगर बड़ा हूँ मैं, तो कम से कम मेरे साथ जो हुआ है तो मैं उनके साथ ये शेयर कर सकता हूँ, भाई मैं तो इस तरीके से आया कॉमेडी में, या एक्सीडेंटली कह दो, पर हाँ अगर आपको सीरियसली उसको अपनाना है, ऑब्वियसली आपके अंदर तो होता ही है, तभी आपको पता चलता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, पर मुझे अच्छा लगा सबसे मिलके भी, और मैं दोबारा आना चाहूँगा, पूरा सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को मिलना चाहता हूँ, मुझे खुद ही बड़ा शौक है, मैं अपनी फील्ड में भी जब जाता था तो अपना ख़त्म हो जाता, लाइटिंग होती थी तो मैं जाके अपने कैमरामैन के साथ बैठ जाता था कि क्यों ऐसी लाइटिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ से क्यों दे रहे हो, ये क्या है, तो मैं मुझे शौक है एक्चुअली। यू थिंक कॉमेडी एज एन आर्ट इज अंडरअप्रिशिएटेड इन इंडिया, क्योंकि अवार्ड्स में भी अगर कुछ अवार्ड होता है तो बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल दिया जाता है, एक जो एक्टर बहुत अच्छा कॉमेडी करता है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड बहुत ही कम
दिया हाँ एक्चुअली ये है ये फैक्ट है एक्चुअली ये हमारे देश में ऐसा होता है कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर इन ए कॉमिक रोल क्यों है मतलब अगर आप उसने एक अच्छा किया तो उसको पर एनीवे सर अवार्ड्स मुझे लगता नहीं है ये जनता डिसाइड करती है जो जनता आपकी फिल्म को थिएटर में प्यार दे देती ना उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है और आजकल अवार्ड ये क्या है मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना मिले तो और भी अच्छा है तो मैं तो वैसे ही अवार्ड शो में इतने पैसे लेके जाता हूँ तो मुझे अवार्ड दो ना दो मुझे फर्क नहीं पड़ता है केबीसी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हालांकि उनसे पहले मैं अपने शो में एक बार उनके साथ एक एपिसोड शूट कर चुका था तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल था और बच्चन साहब ऐसे हैं भी वो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं कि उनको भी पता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो ये नर्वस हो रहा होगा तो वो पहले कंफर्टेबल कर देते हैं दो तीन जोक मार के ना आप पे फिर आदमी ऐसे हो जाता है हाँ वो ऐसे ही जैसे टेक्निकल चीज़ें हो रही थी वैसे ही शेयर किया था मैंने ओके सुभाष जी अंदर जिक्र किया गया इस बात का भी कहीं कि कपिल यहाँ कॉमेडी क्लासेस भी देंगे तो क्या कुछ ऐसा प्लान है कहीं बातों से बात बनती है इसी तरह से आस्ते आस्ते हम शेयर करते हैं दूसरे में कि कभी चाहे पोएट्री की क्लास हो या एक्टिंग की क्लास हो या ड्रामेटिक की क्लास हो या कॉमेडी की क्लास हो क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन पे शुरू हो जाते हैं जैसे आपने कहा ना कि एक्टिंग इन कॉमिक रोल एक्टर इज ए वर्स्ट टाइप पर्सन जो कि सब रोल कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन जो है ड्रामेटिक्स में होते हैं कुछ कॉमेडी में होते हैं कुछ विलेनेस में होते हैं जैसे हमारे नाट्यशास्त्र में भी कहा जाता है नायक खलनायक जी दूषक सब होते हैं तो इस तरह की क्वालिटी जो बच्चा डेवलप करना चाहता है उसके लिए भी अगर हमारे पास कोर्सेज हों या क्लासेस हों और कपिल जी जैसे आए वहाँ पर तो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान होगा इनके लिए नहीं सर ऐसा नहीं है मुझे कोई भी कभी एक लाइन ऐसा बता आज तक मुझे बताइए कि एक बार भी मुझे बताइए कि जब कपिल जी ने किसी के बारे में ऑफेंसिव कोई भी हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी एपिसोड निकालिए अब मेरे को निकाल के बताइए कि आपने यहाँ पे किसी की बेइज्जती की है क्या आपने देखा होगा कि उसमें भी एक बड़ा अफेक्शन है जैसे एक परिवार का भाई दूसरे भाई को बोलता है अगर आपने देखा ऑफेंसिव क्या होता है जिस वक्त दूसरा किसी कोई हर्ट हो जाए हर्ट को गाली देके जाए लेकिन अगर वो खुश हो जाता है ये सी तो आपने देखा होगा कि इनके हर व्यंग में भी हर तंज में भी एक अपना अफेक्शन है कंपैशन है दैट इज द ब्यूटी दैट इज व्हाई दिस शोज आर द मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया फॉर सो मेनी इयर्स और आप बिलीव नहीं करेंगे जब हम कॉमेडी नाइट्स भी करते थे तो 2,000 की वेटिंग रहती थी कि हम आपके शो में आना चाहते हैं तो ये वही लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं तो अगर ऐसा होता जब मैं किसी को बोल रहा हूँ किसी ने जेब में हाथ डाला तो वो बात कर रहा है सर तो मैंने कहा जेब में क्या कर रहे हो तो ये कोई बेइज्जती नहीं है तो मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि अच्छा तेरा पेट बड़ा हुआ है तो तेरी नाभि दिख रही है मुझे दोनों बटन्स में से तो वो थोड़ा अंदर खींच लेता है तो वो बेइज्जती नहीं होता है सर वो मज़ेदार चीज़ होती है आप क्यों ऐसा नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं जो हुआ अच्छा हुआ किस किस को प्यार करो बहुत कामयाबी हुई बिल्कुल इस जैसा आर्टिस्ट अगर किसी भी डायरेक्टर को मिलेगा तो फिल्म जो है अपने में कितनी एक हवा कितनी एक ब्रीज लेकर आएगी आप इमेजिन कर सकते हैं वी मस्ट हैव ए गुड स्क्रिप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस एंड दैट्स हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट ये सब चीज़ अल्टीमेटली स्क्रिप्ट की होती है आपका शो द न्यू शो वो भी बहुत चर्चा में है और काफी कामयाब भी रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट टीआरपी जितनी उम्मीद करी गई थी उतनी नहीं है टीआरपी आई कहां अभी एस्पर टीआरपी आई नहीं अभी एस्पर द रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स कौन सी सर रिपोर्ट्स को मानता नहीं सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया रिव्यूज हैव बीन बिग सर ये चीज देखिए आप भी कई जब भी कभी बदलाव होता है किसी भी चाहे वो राजनीति में हो सोशल में हो ड्रामा में हो स्टेज में हो सिनेमा में हो जब भी कोई चीज बदलाव होता है उसको पहले से नकारते हैं फिर दो तीन एपिसोड के बाद आप देखेंगे ये उससे भी ज्यादा बड़ा पॉपुलर होगा मैं आपको आज बता सकता हूं ओके कपिल बहुत शुक्रिया जी सर the reviews have been mixed on social media yes. people have loved it people have not apne twitter india ki jo head hai kaun sa aisa aaj ka topic hai jisme mixed opinion nahi okay no the mixed reviews the ones that have not liked it have said that the pattern is repeated there are very few people maine kal twitter india ki jo head hai jindal unhone unki interview padha unhone kaha ki
मतलब जब IPL शुरू हुआ तब भी इतने ट्वीट्स नहीं आए जितने लाखों ट्वीट्स इस शो के पहले दिन ओपनिंग में आए. उनकी इंटरव्यू मैंने तो नहीं दी नहीं, नाम उनको जानता हूँ. सो मिक्स रिपोर्ट्स जो आप कहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है. कोई पेपर में कहते हैं कि जिस दिन हमारा शो है उस दिन बोलते हैं अरे TRP वॉज नॉट लाइक दैट इस प्रीवियस शो. तो भाई भाई मैं उनकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, इतने बड़े बड़े पेपर चलाते हो, TRP अगले हफ्ते आती है, सेम डे आती भी नहीं है. यार मेरा ना शूट है अभी. जिम्मेदारी बढ़ रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्मीद बहुत ज्यादा है आपसे.